सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में, जहां आज हम करंट अफेयर ऑफ राजस्थान का पार्ट थर्ड लेकर आए हैं। दोस्तों, अभी तक दो पार्ट इसके आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप जरूर उनको देखें। साथ ही दोस्तों, एनसीईआरटी की जो जनरल साइंस है वो भी हमने अभी तक 6-7 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको भी इस वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर सीरीज है, RVUNL के जो LDC एग्जाम होगा, जूनियर अकाउंटेंट और स्टेनोग्राफर, साथ ही जो RSM SSB बोर्ड और RPSC बोर्ड के जितने भी एग्जाम होंगे, जैसे उद्योग प्रसार अधिकारी, RAS, HM असिस्टेंट इंजीनियर, जितने भी एग्जाम होंगे जिस एग्जाम में करंट अफेयर आएगी, उन सबके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका कलेक्शन किया है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज तीसरे लेक्चर से। दोस्तों, ई रत्न ऑफ इंडिया का जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? दोस्तों, जो ई रत्न ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है वो दोस्तों वो अवार्ड मिला है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को, जो कि राजस्थान की मुख्यमंत्री है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये अवार्ड इनको क्यों दिया गया। दोस्तों, आपको पता है कि भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजनाएं शुरू की गई थी, तो दोस्तों इन योजनाओं को राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रोत्साहन मिला था और ये प्रोत्साहन दिया था मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने। साथ में दोस्तों, राजस्थान की जैसे भामाशाह योजना है और भी विकास के लिए जो भी योजनाएं आई, जो सरकारी योजनाएं आई थी, उनमें भी राजस्थान में सबसे ज्यादा IT का उपयोग हुआ था और अभी भी हो ही रहा है। और दोस्तों, इसके लिए राजस्थान को पूरे देश भर में इस चीज के लिए सराहना मिली थी और IT का उपयोग करने में ये राजस्थान पूरे देश में अग्रणी रहा है। इसलिए दोस्तों, ई रत्न ऑफ इंडिया का अवार्ड मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दिया गया है। अब बात करते हैं कि दूसरे क्वेश्चन की, ई गवर्नेंस अवार्ड किसको मिला है? दोस्तों, जो ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है वो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, दोस्तों ये मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा किया गया था, जिससे गांव जल में आत्मनिर्भर बन सके। दोस्तों, आप सबको पता है कि राजस्थान में मरुधर भूमि होने के कारण हमेशा जल की कमी रही है, तो जल गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांव में जितने भी, चाहे वो टांके हो, चाहे तालाब हो, चाहे जोहड़ हो, चाहे कुएं हो, इन सब का जीर्णोद्धार इस प्रोग्राम के तहत किया गया, ताकि इनमें पानी का स्टोरेज कर सके और गांव जल में आत्मनिर्भर बन सके। दोस्तों, अब इससे संबंधित, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन से संबंधित एक और क्वेश्चन ये भी बनता है कि अभी आपने अगर अखबारों में देखा होगा तो ये प्रोग्राम चल रहा है। दोस्तों, अभी तक इसके 3 चरण आ चुके हैं और सरकार ने इसको स्टार्टिंग के 4 सालों में चलाने के लिए सोचा है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभी तक कितने चरण आ चुके हैं? तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अभी तक 3 चरण आ चुके हैं। अब बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 की। दोस्तों, वोटिंग के जरिए शराबबंदी बंद करने वाली 3rd पंचायत कौन सी है? दोस्तों, मंडावर पंचायत है, जो कि राजसमंद में जिले में आती है। दोस्तों, वहां पर शराबबंदी के लिए जन जागरण अभियान चलाई गई थी, उसके बाद में प्रशासन की सहमति से वहां पर शराबबंदी के लिए वोटिंग का उपयोग किया गया था, तो गांव वालों ने इसका जबरदस्त शराबबंदी के पक्ष में वोट दिया था और यहाँ पर शराबबंदी बंद कर दी गई थी। दोस्तों, अब मैंने कहा कि ये 3rd पंचायत है, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि इसमें 2nd और 1st पंचायत कौन सी है। दोस्तों, सबसे पहले एक राजसमंद में एक और पंचायत थी कातबली, वहां पे भी वोटिंग के जरिए शराबबंदी को बंद किया गया था। साथ में एक जयपुर में पंचायत है रोजरा, वहां पे भी शराबबंदी बंद की गई थी, वो भी किससे? वोटिंग के जरिए से। तो शराबबंदी आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है डिस्कशन के लिए, तो ये भी सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, पत्थरों को तराशने से निकलने वाली स्लरी से टाइल बनाने वाला देश का पहला प्लांट कौन सा होगा? कोटा होगा। आपको पता है दोस्तों, कोटा में एक कोटा स्टोन निकलता है, जब इसकी तराशा जाता है तो आपको पता है कि एक डस्ट जैसा मटेरियल निकलता है, इसको कहते हैं सलरी। अब जैसे एक पत्थर इस शेप का आ गया, अब मुझे इस शेप से पत्थर से मुझे इस शेप का पत्थर बनाना है, इसको तराशना है ताकि ये आगे काम में आ सके। तो दोस्तों, जब इसको तराशते हैं तो बहुत वेस्ट मटेरियल निकलता है और ये वेस्ट मटेरियल प्राण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, तो इस समस्या से निजात पाने के लिए जो ये निकलने वाली सलरी है, इस सब टाइल बनाने का प्लांट लगा दिया गया है कोटा में। तो आप याद रख सकते हो कि कोटा स्टोन होता है, बहुत फेमस स्टोन है, जो कि आप रेलवे स्टेशन पर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो
अगर आपसे पूछे कि आपको पता हो गया सैलरी क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको सैलरी कहते हैं, और ये सैलरी पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही थी, तब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पर इसका प्लांट लगाया गया है, और दोस्तों ये देश का पहला प्लांट होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, राज्य सरकार ने किस फिल्म को टैक्स फ्री किया है। दोस्तों टैक्स फ्री का मतलब है जो भी मनोरंजन कर लगता था, अब हालांकि अब जीएसटी लग रहा है, तो दोस्तों अब सरकार उसे कोई टैक्स नहीं लेगी। दोस्तों वो फिल्म है पैडमैन। अब दोस्तों बात करते हैं कि पैडमैन में ऐसी क्या चीज खास बात थी कि इसको टैक्स फ्री कर दिया गया। दोस्तों जो पैडमैन मूवी थी वो महावारी स्वच्छता से संबंधित थी। महावारी का मतलब होता है जो सैनिटरी पैड से संबंधित मूवी थी जिसे स्वच्छता होती है। तो दोस्तों इसके लिए इस फिल्म को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने टैक्स फ्री कर दिया गया था। दोस्तों ये फिल्म अक्षय कुमार की थी। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। आपको पता है कि हाल ही में राज्य में कृषि किसानों के लोन माफ किए गए थे। तो दोस्तों जब बजट चल रहा था तब बजट में कृषक ऋण माफी के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों उस आयोग का क्या नाम है, उसका है राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग। दोस्तों इस आयोग का गठन किया गया था। अब इस आयोग का गठन क्यों किया गया था, क्योंकि अब जो किसानों का माफ लोन जो माफ होगा वो किस तरीके से होगा, इसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होगी, इन सब के लिए इसका आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों अब आपको पता होना चाहिए जब ये आयोग बना तो इसका अध्यक्ष कौन होगा। दोस्तों इसका अध्यक्ष था गुलाब चंद कटारिया जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अब बात करते हैं कि दोस्तों राजस्थान का दूसरा सैनिक स्कूल, यानी इसका मतलब है कि राजस्थान में अब कितने सैनिक स्कूल हो गए हैं, 2 सैनिक स्कूल हो गए हैं, और वो कहां पर खोला गया है। दोस्तों वो खोला गया है झुंझुनू में। अब जब दूसरा सैनिक स्कूल आया तो पहला सैनिक स्कूल भी कहां है, दोस्तों वो भी झुंझुनू में ही है। इसका मतलब क्या कि अब झुंझुनू में 2 सैनिक स्कूल हो गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जिसके सबसे ज्यादा चांसेस है कि ये सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों भामाशाह टेक्नो हब, अब भामाशाह टेक्नो हब कहाँ पर खोला गया है, जयपुर में। अब दोस्तों बात करते हैं कि भामाशाह टेक्नो हब क्या है। दोस्तों जो भामाशाह टेक्नो हब है एक ये स्टार्टअप से संबंधित है। मैंने आपको बताया था कि स्टार्टअप से संबंधित राजस्थान में एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, उसका नाम था आई स्टार्ट। अब दोस्तों जब स्टार्टअप खुलेंगे तो उनको सपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, एक पूरा जगह होनी चाहिए। तो दोस्तों ये लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट में एक पूरा एनवायरनमेंट, पूरी एक बिल्डिंग सारी बनाई जाएगी ताकि वहां पर स्टार्टअप को पूरा सपोर्ट मिल सके, जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, अलग अलग तरह के, ताकि एक एंटरप्रेन्योर का एनवायरनमेंट विकसित हो सके राजस्थान में, और राजस्थान स्टार्टअप के मामले में नंबर 1 बन सके। दोस्तों और इसकी जो कैपेसिटी होगी वो लगभग 700 स्टार्टअप को ये पूरा एक जगह पर सेटअप करने की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की योजना है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की, देश की दूसरी दिव्यांगजन यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोली गई। तो दोस्तों देश की दूसरी जो दिव्यांगजन यूनिवर्सिटी है वो खोली गई है जामलोडी में। अब दोस्तों आप सबको पता है कि जामलोडी कहाँ है, जामलोडी है दोस्तों जयपुर में। अब दोस्तों दिव्यांगजन यूनिवर्सिटी खोलने का क्या मतलब रहा है, आपको पता है कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है इंडिया में तब से दिव्यांगजनों को काफी राहत मिली है, अलग अलग इनके लिए नए नए प्रोग्राम चलाए गए हैं। तो दोस्तों देश के जो दिव्यांगजन है, राजस्थान के जो दिव्यांगजन है, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए जामलोडी में ये यूनिवर्सिटी खोली गई है, ताकि उनको ऐसे कोर्स विकसित किया जा सके ताकि दिव्यांगजन अपना मतलब अपने आप को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बना सके। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, अपर यमुना रिव्यू कमेटी क्या है। दोस्तों अभी हाल ही में विज्ञान भवन में अपर यमुना रिव्यू कमेटी की बैठक हुई थी, जिसके हेड थे गडकरी जी, उन्होंने अभी इसकी बैठक ली, तब ये कुछ राज्यों राजस्थान हरियाणा इनके बीच में जल विवाद था। तो दोस्तों इस कमेटी का ये फैसला आया कि अब राजस्थान को यमुना जल का पूरा हिस्सा मिलेगी, यानी जो पहले राजस्थान का हिस्सा था अब वो पूरा का पूरा, जितना भी राजस्थान का हिस्सा बनता है वो पूरा का पूरा यमुना जल का राजस्थान को मिलेगा। अब दोस्तों अब टोटल राजस्थान को कितना हिस्सा मिलेगा, वो ये मिलेगा 1.119 BCM, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो झुंझुनू और चूरू है उनको दोनों का मतलब क्या, उनको पेयजल सप्लाई भी मिलेगी और इरिगेशन फैसिलिटी यानी सिंचाई संबंधी सुविधाएं भी झुंझुनू और चूरू को मिलेगी, जबकि सीकर है उसको केवल पेयजल सप्लाई मिलेगी। अब दोस्तों अब ये कौन से हेड से मिलेगी, दोस्तों ये
जब रिवर बनाए जाते हैं तो उसमें कुछ स्ट्रक्चरल वर्क्स होते हैं जिसको हेड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो है ताजे वाला हेड। तो ताजे वाले हेड से सीकर को, झुंझुनू को और चूरू को जल सप्लाई मिलेगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, युद्ध अभ्यास विजय प्रहार क्या है। दोस्तों अभी हाल ही में युद्ध युद्ध का अभ्यास हुआ था, उस युद्ध अभ्यास का नाम था विजय प्रहार। अब दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, बीकानेर में जो ये जगह है वहां पर हुआ था। अब दोस्तों बात करते हैं कि युद्ध अभ्यास हुआ था दो सेनाओं के बीच में होगा, तो वो किन किन के बीच में हुआ था। दोस्तों ये हुआ था वायुसेना और थल सेना के बीच में हुआ था। दोस्तों इसमें पहली बार एयर कैवलरी रणनीति का उपयोग किया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों ये रणनीति आखिर में है क्या। दोस्तों इसमें इस रणनीति में ये मैं आपको पहले बता दूं कि इस रणनीति का सबसे पहले उपयोग अमेरिका ने किया था, जब वियतनाम के खिलाफ युद्ध हुआ तब सबसे पहले इस रणनीति का उपयोग करा था अमेरिका ने। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये रणनीति होती क्या है। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं उनके साथ में वायु जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी टैंकों और बख्तरबंद जो गाड़ियां होती है उनके समन्वय के साथ में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि दुश्मन सेनाओं को जवाब दिया जा सके। दोस्तों ये रणनीति का उपयोग तब किया जा सकता है जब थल सेना मुसीबत में हो, तब वायु सेना को बुला के दोनों एक कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करते हैं और दुश्मनी ठिकानों को तबाह करते हैं। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, किस नगर पालिका के ODF होने पर पूरा प्रदेश पूर्ण रूप से ODF हो गया। ODF होता है ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी शौच मुक्त होना। दोस्तों अब आपको बताया कि जो लास्ट में जो नगर पालिका बची थी वो माउंट आबू थी, जैसे ही माउंट आबू को ODF घोषित कर दिया पूरा जो राजस्थान प्रदेश है वो पूरा का पूरा ओपन डेफिकेशन फ्री यानी पूर्णतः शौच मुक्त हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, दोस्तों प्रदेश में एक रूरल मॉल की तरह कौन उभरे हैं, यानी किनको रूरल मॉल आप कह सकते हो। दोस्तों वो है अन्नपूर्णा भंडार जो होते हैं उनको कह सकते हो। दोस्तों अन्नपूर्णा भंडार क्या होते हैं, दोस्तों अन्नपूर्णा भंडार वसुंधरा राजे द्वारा एक चलाई गई एक फ्लेक्सी प्रोग्राम था जिसके तहत जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली और लोगों के सहयोग से मल्टी ब्रांड यानी जो मल्टी ब्रांड की चीजें बेची जाएगी वो भी किफायती दरों पे, जैसे मॉल होते हैं शहरों में वैसे के वैसे गांवों में छोटी छोटी जगहों पर ये अन्नपूर्णा भंडार खोले गए, जहां पर अलग अलग जो मल्टी ब्रांड के सामान होते हैं वो किफायती रेट पर मिलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने। अभी हाल ही में नए अध्यक्ष बने हुआ है जसवंत सिंह बिश्नोई। अब बात करते हैं दोस्तों ये जसवंत सिंह बिश्नोई कौन है, अगर आप जोधपुर या लूनी के हो तो आप इनको जानते हो। दोस्तों ये पूर्व में जोधपुर के सांसद और लूनी के विधायक भी रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कल मतलब 2 जुलाई को अन्नपूर्णा दूध योजना की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था इसके पूरे बारे में। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कहाँ से शुरुआत हुई। दोस्तों ये हुई थी दहमी कला, दहमी कला एक जो जयपुर में एक स्कूल है जयपुर के पास के गांव में, वहां पर राजकीय स्कूल है, वहां पर दहमी कला में ये अन्नपूर्णा दूध योजना की शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं MiG-21 लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर कौन है, वो है अवनी चतुर्वेदी जो कि वनस्ली विद्यापीठ जो कि आपको पता है निवाई में है वहां से ये पढ़ी हुई है, बीटेक करी हुई छात्रा है, उनको सबसे पहले ये उन्होंने ये विमान उड़ाया, तो वह है अवनी चतुर्वेदी। अब बात करते हैं राजस्थान निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर, दोस्तों जो निर्वाचन आयोग है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने वो देवेंद्र झांझड़िया, आपको पता है कि ये ओलंपिक में अभी इन्होंने मेडल भी जीता था। अब दोस्तों बात करते हैं कि राजस्थान आईटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, क्योंकि राजस्थान में अभी मैंने आपको बताया था कि आईटी में सबसे ज्यादा विकास हुआ है, तो राजस्थान का जो आईटी डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो है 21 मार्च 2018 को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, स्वेजल पायलट परियोजना की शुरुआत कहां से हुई। दोस्तों जो स्वेजल पायलट परियोजना है वो उसकी शुरुआत हुई थी बिकमपुरा जो कि करौली में है। अब दोस्तों जो इसकी शुरुआत करी थी वो जो पेयजल मंत्री है वो है उमा भारती ने इसकी शुरुआत की थी। अब इसका मतलब क्या है कि स्वच्छ जल की सप्लाई करना, यानी गांव में स्वच्छ जल को सप्लाई करना ताकि पूरे साल भर गांवों को स्वच्छ जल मिल सके। इसके लिए दोस्तों हर गांव में 4 जलाशयों का निर्माण किया जाएगा और उन गांवों में पाइपों नलकूपों से मतलब जो जल की स्वच्छ जल की सप्लाई की जाएगी। दोस्तों ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो अभी हाल ही में शुरू हुआ है करौली में। अब दोस्तों अभी मैंने कहा था कि
जब आप मेरे पिछले लेक्चर देखोगे जनरल जो जीके के, तो उसमें आप ये देखोगे कि मैंने बताया था कि पहला मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में खुला था। तो दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो पहला राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है उसका नाम क्या है। दोस्तों उसका नाम है ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क। दोस्तों अब इसके बाद में मैं लेके कुछ और पार्ट इसके लेके आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो सीरीज का बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।